सीधी बात में अब हम पूछेंगे राहुल महाजन से पांच तीखे सवाल। अगर लाइफ कंफर्टेबल हो, लॉन्ग लास्टिंग मैरिज रिलेशनशिप हो, तो एक पत्नी को ये विश्वास होना चाहिए कि मेरा हस्बैंड जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मतलब आप काम क्या करते हैं किसी को बताना पड़ेगा ना, आपने बताया जितनी करने आए। मेरा प्रोडक्शन हाउस था, अभी फिलहाल कुछ काम भी नहीं कर रहा हूँ बिकॉज काफी बिजी था, ये शो करते करते तो समय नहीं था। दो चीज है, मनोरंजन जगत में काम करता रहूंगा, भले कैमरा के सामने हो या कैमरा के पीछे हो, वो एक पार्ट है। और जहां तक देश की सेवा करनी राजनीतिक तौर पे, वो भी मैं एक बार मेरा घर बसाने का वो भी शुरू करूंगा। कैमरा के पीछे और आगे, आपने कहा था मैं अमिताभ बच्चन की तरह एक्टर बनना चाहता हूं, कह पर आपने स्टेटमेंट दी थी। मैंने पता नहीं कब कहा था ऐसे, मैं जरूर, अगर कार्यक्रम रोल मिलते हैं फिल्मों के होते हैं और मैं जरूर करूंगा। ऐसी ऑफर्स भी अभी आ रही है अलग अलग कार्यक्रमों की, एंडोर्समेंट्स की। तो पांच साल बाद आप राजनीति में होंगे या टीवी में होंगे? राजनीति में होंगे। राजनीति में होंगे पांच साल के बाद? बिल्कुल। अगर वाइल्ड कार्ड एंट्री करनी हो, इस वक्त आपने एनआरए की दो कराई, राखी सावंत अगर आ जाए स्वयंवर में तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं जी बिल्कुल, मैं राखी सावंत को स्वयंवर एक्सेप्ट नहीं करूंगा, उनको पहले से रिजेक्ट अभी से कहते। अच्छा, शादी करने के बाद आपने कहा हनीमून, कहाँ जा रहे हैं आप बताना चाहेंगे? नहीं, वो सिर्फ इमेजिन भी मालूम पड़ेगा, मगर ट्रॉपिकल पैराडाइज होगा, समुद्र किनारे होगा कहीं तो। समुद्र किनारे? आपको समुद्र क्यों पसंद है इतना? समुद्र विशाल होता है, सुंदर होता है। राहुल महाजन का सपना क्या है? मैं चाहता हूँ जो भी मेरी काबिलियत है और जो मेरा पोटेंशियल है वो रियलाइज हो जिंदगी में। मुझे कभी ऐसा लगे आज से 20 साल बाद, अरे मैं कर सकता था, मैंने कर नहीं दिखाया। जो भी कुछ कर सकता हूँ जिंदगी में, जो पोटेंशियल है वो एकदम रियलाइज हो, और अपने पिताजी का नाम, अपने फैमिली का नाम रोशन करूं कि लोग पिताजी को मेरे नाम से जाने, ऐसा एक गौरव मेरे ख्याल से मेरा नाम रोशन करेगा। बिल्कुल वही है। चलिए, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।